हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द RN45 एजुकेशन। तो आज मैं बात करने वाला हूँ अपकमिंग टीचर वैकेंसी 2023-24 लेटेस्ट अपडेट के बारे में, और बात करेंगे शिक्षक भर्ती के जो लेटेस्ट एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे EMRS टीचिंग नॉन टीचिंग, जिसका एग्ज़ाम होने वाला है 2023-24, तो इसके एग्ज़ाम के बारे में भी बात करेंगे, और बात करेंगे बिहार राज्य की, जहाँ पर अब PPSC TRE 3.0 की तैयारी चल रही है, यानी बिहार में अब नई शिक्षक भर्ती की बात करेंगे, और बात करेंगे KVS टीचर वैकेंसी 2024 के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो बने रहें वीडियो पर अंत तक। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहां आप लोगों को शिक्षक भर्ती से लेटेस्ट अपडेट शेयर करता हूं, और आप लोग किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी यहां पे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर, तो इसकी प्रक्रिया जो है तेज़ हो चुकी है। मैं आप लोगों को पहले ही जानकारी दे चुका हूं कि 20 से 25 दिनों में आप लोगों को, अगर बात करें उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती की, तो कोई ना कोई गुड न्यूज़ आप लोगों को ज़रूर मिलेगी। हालांकि अगर उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती की बात करें, तो यहाँ पर कोई एग्जैक्ट डेट आप लोगों को कोई नहीं बता सकता, लेकिन जानकारी के अनुसार मैं आप लोगों को कुछ एक्सपेक्टेड डेट ज़रूर बता सकता हूँ। जो भी लोग उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर सीरियस हैं और पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये खबर ज़रूरी है, क्योंकि अब उनका जो है काफ़ी लंबा इंतज़ार जो है अब ख़त्म हो सकता है, क्योंकि पिछले 4 से 5 सालों में उत्तर प्रदेश में कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आई है। और अगर यूपी टेट एग्ज़ाम की बात करें, तो इसे भी काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन अब जानकारी के अनुसार जरूर पता चला है कि 20 से 25 दिनों में आप लोगों को यूपी टेट का नोटिफिकेशन जो है ज़रूर देखने को मिलेगा। जानकारी के अनुसार पता चला है कि सीटेट एग्ज़ाम के बाद, जो कि होने वाला है 21 जनवरी को, इस एग्ज़ाम के बाद आप लोगों को यूपी टेट का भी नोटिफिकेशन जरूर देखने को मिलेगा, और यूपी टेट के नोटिफिकेशन के बाद आप लोगों को जाहिर सी बात है सुपर टेट की वैकेंसी ज़रूर देखने को मिलेगी। और अगर एक्सपेक्टेड डेट की बात करें, तो जनवरी लास्ट वीक में आप लोगों का यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ सकता है। अगर जनवरी में नहीं आता है, तो ये मान के चलिए कि आपका फरवरी में ये ज़रूर आप लोगों को देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में अगर नए TGT PGT PRT पदों की बात करें, तो कुल मिलाकर आप लोग जानते हैं 1,26,000 पद जो हैं खाली हैं, तो इसी पर जो है वैकेंसी आने वाली है। लगभग फरवरी महीने में ये वैकेंसी आप लोगों को ज़रूर देखने को मिलेगी यूपी टेट एग्ज़ाम के बाद। तो अब बात कर लेते हैं EMRS टीचिंग नॉन टीचिंग एग्ज़ाम के बारे में, जो कि आपका होने वाला है 16 से 24 दिसंबर के बीच। ठीक है, अगर बात करें EMRS टीचिंग नॉन टीचिंग एग्ज़ाम की, तो ये होने वाला है आपका 16 से 24 दिसंबर के बीच। और अगर बात करें इसके एडमिट कार्ड के बारे में, तो आप लोगों को 2 से 3 दिन में एडमिट कार्ड जो है जारी कर दिया जाएगा, और आप लोग एग्ज़ाम सिटी जो है चेक कर सकते हैं, ये ऑलरेडी जारी कर दिया गया है। आप लोग सरकारी रिजल्ट या सरकारी जॉब फाइंड पर जो है एग्ज़ाम सिटी जो है चेक कर सकते हैं। बस आप लोगों को अप्लीकेशन नंबर यहाँ पर दर्ज करना होगा, और आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भरनी है, ये सिक्योरिटी पेन दर्ज करेंगे, और आप लोगों का जो है एग्ज़ाम सिटी चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैंने चेक किया है, एक यहाँ पर एग्ज़ाम देख सकते हैं आपका 17 दिसंबर 2023 को है लखनऊ उत्तर प्रदेश में, और इवनिंग शिफ्ट में है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग एग्ज़ाम सिटी जो है चेक कर सकते हैं। इसका एग्ज़ाम जो होने वाला है 16 से 24 दिसंबर के बीच होने वाला है। और अब बात करते हैं बिहार शिक्षक भर्ती की, जहां पे जो है BPSC TRE 2.0 एग्ज़ाम जो है चल रहा है। अगर बात करें BPSC TRE 2.0 एग्ज़ाम की, तो ये एग्ज़ाम जो है आप लोगों का चला 7, 8, 9 दिसंबर को। बात करें अगर BPSC TRE 2.0 की, तो 8 के लिए जो एग्ज़ाम था 7, 8, 9 दिसंबर को था, और इसकी जो है आंसर की जो है जारी कर दी गई है। आप लोग क्वेश्चन बुकलेट पेपर भी देख सकते हैं। और मैं आप लोग जानकारी के लिए बता दूं, BPSC TRE 1 से काफ़ी सारी सीटें जो हैं रिक्त रह गई, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट ने जो है ज्वाइनिंग ही नहीं ली, तो काफ़ी सारी सीटें जो हैं रिक्त रह गई। अब ये सीटें जो हैं आप लोगों को देखने को मिलेंगी BPSC TRE 3.0, यानी तीसरे फेज की भर्ती में आप लोगों को ये सीटें देखने को मिलेंगी। बताया जा रहा है कि 50,000 से ज़्यादा सीटें जो हैं आप लोगों को तीसरे फेज की भर्ती में देखने को मिलेंगी, और ये भर्ती भी आप लोगों को जल्द ही देखने को मिलेगी। लेटेस्ट अपडेट की बात करें, तो एस्टेट का एग्ज़ाम जो है अब साल में 2 बार होने वाला है, जो कि BPSC कराती है। जैसे कि सीटेट होता है एग्ज़ाम साल में 2 बार, अब BPSC भी एस्टेट का एग्ज़ाम 2 बार कराएगी। और एस्टेट एग्ज़ाम के बाद आप लोगों को नई TGT PGT वैकेंसी जो है देखने को मिलेगी बिहार में, और ये भर्ती आप लोगों को देखने को मिलेगी मार्च में। वैसे भी BPSC ने जो है नई शिक्षक भर्ती का कैलेंडर जो है जारी कर दिया है। अगर बात करें 2024 की, तो यहाँ पे आप लोगों को TGT PGT का एग्ज़ाम जो है मार्च 2024 में देखने को मिलेगा।
और अब बात कर लेते हैं KVS की न्यू वैकेंसी के बारे में। अगर बात करें KVS टीचर 2024 की न्यू वैकेंसी के बारे में, तो ये वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी CTET 2024 एग्ज़ाम के बाद, जो एग्ज़ाम होने वाला है जनवरी 21, 2024 को। इस एग्ज़ाम के बाद आप लोगों को KVS का नोटिफिकेशन ज़रूर देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है कि फरवरी सेकेंड वीक में ये जो नोटिफिकेशन है आप लोगों को देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे इस बार आप लोगों को 5500 से ज़्यादा वैकेंसी जो है देखने को मिलेगी। ये थी शिक्षक भर्ती से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट। अगर आप लोगों को जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।